हमेशा सत्य की राह पर चले, क्योंकि जिस प्रकार घना अंधेरा जुगनू की रोशनी नहीं दबा सकता, उसी प्रकार सत्य भी हर अवस्था में चमक उठता है। नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। आज बात करेंगे 4 फरवरी के आपके तारे क्या बोलते हैं, यानी आपकी राशिफल क्या है। लेकिन उसके पहले क्या आपको पता है कि शनिवार को लोग शनिदेव की पूजा क्यों करते हैं और उन्हें तेल क्यों चढ़ाया जाता है। चलिए सबसे पहले आपको बताऊंगी मैं कि शनिदेव की पूजा क्यों की जाती है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है। शनिदेव व्यक्ति को अच्छे कर्म का अच्छा फल देते हैं और बुरे कर्म के लिए दंड देते हैं। जिसका शनि अच्छा होता है वह राजपद या राज सुख पाता है। जिसकी कुंडली में शनि की बुरी दृष्टि होती है उसमें जीवन में तमाम तरह की परेशानियां होती है। इसलिए शनिवार के दिन लोग शनिदेव की विधि विधान से पूजा करते हैं ताकि व्यक्ति के कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति शुभ हो जाए। और चलिए अब आपको बताती हूँ कि शनिदेव को सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है। रामायण काल के दौरान शनिदेव को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया और उसी समय हनुमान जी का पराक्रम की कृति चारों दिशाओं में फैल रही थी। जब शनिदेव को हनुमान जी के बल का पता लगा तो वे हनुमान के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। लेकिन जब शनिदेव हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि वे श्री राम की भक्ति में लीन बैठे हैं। हनुमान जी को श्री राम का नाम लेते देख शनिदेव ने उन्हें युद्ध के लिए उकसाया, लेकिन हनुमान जी ने शनिदेव को समझाकर युद्ध ना करने के लिए कहा। लेकिन शनिदेव युद्ध के लिए अड़े रहे। शनिदेव के इतना बोलने के बाद हनुमान जी युद्ध के लिए तैयार हो गए और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में शनिदेव का घमंड चूर हो गया। हनुमान जी के प्रहार से उनके शरीर के कई चोटें आई और शनिदेव दर्द से परेशान हो गए। इसके बाद हनुमान ने शनि के चोट पर सरसों का तेल लगाया जिससे उनकी सभी परेशानियां दूर हुई। इसके बाद से ही शनिदेव ने कहा कि आज के बाद जो भी मुझे सच्चे मन से सरसों का तेल चढ़ाएगा उसको शनि से संबंधित सभी तरह का कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। और अब राशिफल की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। कार्य व्यापार में आ रही बाधा दूर होगी। नौकरी में नए अनुभव की प्राप्ति के अवसर आएंगे। यात्रा का लाभ मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग विदेश में पढ़ाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए अवसर अनुकूल है। धर्म और अध्यात्म में गहरी रुचि रखेंगे। और अब बात करेंगे वृष राशि की। कोर्ट कचहरी के मामले में भी निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत हैं। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना ले, अन्यथा आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विशेष करके दवाओं के रिएक्शन से सावधान रहने की आवश्यकता है। शादी विवाह से संबंधी वार्ता सुखद रहेगी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। कार्य क्षेत्र में षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी बाहर ही सुलझाएं। इस अवधि के मध्य साझा व्यापार करने से बचे। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में किसी भी तरह के टेंडर आदि का आवेदन करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अति अनुकूल रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित मामलों का निपटारा होगा। और अब चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। कोर्ट कचहरी के मामलों में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत है। मित्रों और संबंधियों से अप्रिय समाचार के संकेत है। यात्रा सावधानी पूर्वक करें। सामान की चोरी होने से बचे। विदेशी कंपनियों से सर्विस अथवा नागरिकता के लिए भी प्रयास करना चाह रहे हो तो उस दृष्टि से ग्रह गोचर अनुकूल रहेगा। और अब चलिए बात करेंगे कन्या राशि की और जानेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में परीक्षित कार्य संपन्न होंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हैं वही मदद के लिए आगे आएंगे। परिवार में छोटे भाइयों से मतभेद दूर होगा। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की और जानेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मांगलिक कार्यों का शुभ अवसर आएगा। उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत बनेंगे। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए समय और बेहतर रहेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे। आपके अपने ही लोग षड्यंत्र करने से पीछे नहीं रहेंगे। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर कठिन परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। कार्य व्यापार में उन्नति होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति के योग है। प्रेम संबंधी मामलों में भी उत्साहजनक संयोग बनेगा। और चलिए अब बात करेंगे धनु राशि की और जानेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।
अत्यधिक खर्च के कारण आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है, किंतु कार्य व्यापार में उन्नति बनी रहेगी। मकान अथवा वाहन क्रय का संयोग बनेगा। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति चिंताशील रहे। मित्रों और संबंधियों से सुखद समाचार प्राप्ति के योग है। और धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। आय के साधन तो बढ़ेंगे ही, काफी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिलने की उम्मीद है। कार्य व्यापार में उन्नति निरंतर बनी रहेगी, किंतु किसी न किसी कारण से पारिवारिक कलह और मानसिक अशांति का सामना करना ही पड़ेगा। और चलिए बात करेंगे कुंभ राशि की। अपने अदम्य साहस के बल पर कठिन परिस्थितियों पर भी आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग मिलेगा, किंतु छोटे भाइयों से मतभेद बढ़ने ना दे। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा होगा। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। कार्य व्यापार में सफलता मिलेगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और कोई भी कार्य जब तक पूरा ना हो जाए उसे सार्वजनिक ना करें। अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कोई भी नया कार्य आरंभ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी सफलता के संयोग हैं। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।